मैं हूं सौरभ, स्वर्णिम टाइम्स में आपका स्वागत है। नव अंशिका फाउंडेशन द्वारा लखनऊ में आयोजित द ग्रेट शक्ति स्वरूपा उत्सव के अवसर पर पुलिस सेवा के कर्तव्यों संग अपनी सामाजिक सेवा के उल्लेखनीय कार्यों से देश प्रदेश में नाम अर्जित करने वाली जनपद उन्नाव पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात सब इंस्पेक्टर रीना पांडे को मुख्य अतिथि अपर्णा यादव द्वारा नव अंशिका सर्वश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नवंशिका फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लोग जो है ज्यादातर जब काम करते रहते हैं किसी भी फील्ड में हो, हर व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष हो, सबको इंकरेजमेंट की आवश्यकता होती है। घरेलू महिलाओं की बात कर रहे समय जो घर का काम करने के बाद घर से निकलना नहीं चाहती है, देखिए हमारी नीमा जी सामने बैठी, डॉक्टर जी कहती पीजीआई में दिल के डॉक्टर हैं, तो इन्होंने ये कहा कि अगर दिल का ऑपरेशन नहीं कराना है तो दिल खोल के हंस लीजिए। उसी तरीके से हमारी दीदी यहाँ पे शिखा सिंह जी भी बैठी हैं, जो कि माननीय पाठक जी के साथ यूनिवर्सिटी में सीनियर रही हैं, पर उन्होंने स्नेह और प्यार हम सबको हमेशा दिया है। मैं उनको भी तहे दिल से बहुत बधाई बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, अगर आपका परिवार है तो सबसे पहले परिवार को मजबूत करिए। परिवार में जब आपके बच्चे, आपके पति, आपके बनाए हुए मार्ग में, बनाए हुए भोजन से और बनाए हुए घर की सुव्यवस्था से खुश रहेंगे, तब आप समाज में भी निकल करके हमें लगता है सभी को आप एक खुशहाली दे सकती हैं। क्यों कहते हैं अगर घर में ही हम डिस्टर्ब रहेंगे तो हम बाहर क्या काम करेंगे, तो सबसे पहला सुख हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा बच्चे हैं। अगर हम उनको सुख देते हैं, खुशी देते हैं और सुव्यवस्थित जीवन देते हैं तो वही चल कर के आगे उस समाज में जाते हैं। जब वो समाज में अच्छी मानसिकता ले के जाते हैं तो मुझे लगता है सहृदय से मिल करके एक दूसरे से वो भाईचारा का उपदेश देते हैं। अगर वो घर से डिस्टर्ब जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर किसी से उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, परिवार मजबूत करिए, जब आपका परिवार मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा।